अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद शाकिर अली, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अब्बास और खुशामदीद हमेशा की तरह और हमेशा की तरह मौजूद है एक और नई वीडियो के साथ। और आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो है बाय ट्रिगर्ड इंसान, जिसका नाम है फनीएस्ट न्यूज़ रिपोर्टिंग फेल्स एवर। तो अच्छा, एक चीज़ और कुछ लोग बोलते हैं कि अब मैंने तो अभी बीच में मैसेज पढ़ रहा था, तो मैं सबके यहाँ मैसेज पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, इस्लाम भी पढ़ते हैं, ये भी सब लोग पढ़ते होंगे। तो बहुत से लोग पूछते हैं यार शाकिर भाई, हमने कई बार बता भी चुके हैं कि खुशामदीद आप किसे कहते हैं, खुशामदीद के वर्ड का हमें बताएं कि आप किसको बोलते हैं। खुशामदीद हम बोलते हैं वेलकम, किसे इंग्लिश में बोलते हैं वेलकम, GINO और इस टाइप का। अच्छा, एक बंदे ने, मैं भूल गया, बंदे ने एक मैसेज करके कहा था कि शाकिर भाई आप लोग जो है ना अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं तो साथ में गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल ये भी बोला करें, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। तो अगली वीडियो से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सलाम के साथ मज़ीद आपकी जो सलाम है वो भी हम करें, और आपकी जो अपनी ज़बान में जो सलाम है वो आप हमें स्पेशली लिख के भेजें, तो वो हम कोशिश करेंगे उनकी ज़बान में हम सलाम करेंगे। जो हो जाता है वीडियो देखते हैं, बाकी बातें बाद में। नमस्कार, हमारे साथ देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति है, नहीं नरेंद्र मोदी जी नहीं है हमारे साथ, हमारे साथ है मुकेश अंबानी जी। जब मैंने कहा कि सबसे पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, किस तरह से आप देखते हैं, आप मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। अरे ये क्या बात है, मैं आपको सीरियसली लेता ही नहीं हूँ, मोटा भाई भी लाई। तो की हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूँ नियॉन मैन और आज हम बात करने वाले। ओ क्या क्या भाई क्या, अरे माफ करना, वो मैं फ्लो में इधर उधर निकल जाता हूँ, न्यूज रिपोर्टिंग की बात हो रही थी ना। एनीवेज, तो आज हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के फनीएस्ट न्यूज रिपोर्टर्स। भाई लाइव टीवी पर है, तू कुछ तो बोल ले। अबे गाय आ रही है भागती हुई। अबे साले लाइव टीवी पे न्यूज रिपोर्टिंग छोड़ के गाय को देख रहा है। अबे गाय बना ले एक शॉट मार ले। ओह देयर इट इज, कि हमने ना घुस जाए आगे, घुस जाए। ये देखिए यार, कसम खुदा की इस गाय का स्वैग लेवल। 1 किलोमीटर दूर से देख रहा था इसने इस रिपोर्टर को। वहाँ से बकती हुई ये सिर्फ इसको अपने सींग मारने के लिए। वो भी कह रही है मेरे को तेरी शक्ल लेने पसंद है, आप तू मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया, आप तू। अब जिन जिनको लगता है यार कि न्यूज रिपोर्टिंग बहुत आसान है, तो मैंने बताया कितने जोके उठा के अपनी जान को यहीं पे रख के हम तक न्यूज बनाई जाती है। ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ, ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ, ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್। एक पत्थर से डर गई, एक कुत्ते से डर गई। असली रिपोर्टर तो वो है, मैं कह रहा हूँ जो फ्लड वाले टाइम पे पानी में उतर जाए। लेकिन एक मिनट, आप निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है कि सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर फंसी हुई हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं कहीं और नहीं बल्कि चेन्नई में कैसे हालात बने हैं उसका जायजा लेने के लिए यहाँ पर। आज भी देखिए मेरा साथी हर रोज मेरे साथ मौजूद होता है, मुश्किल की घड़ी में छोड़ के चला गया। एक तो बेचारी देखो कैसे बाढ़ में फंसी हुई है, ऊपर से इसका साथी भी इसको छोड़ के चला गया। अरे कितनी दुख भरी कहानी है, अरे शर्म करो, इतना भी पागल मत समझो लोगों को यार। मतलब ये सस्ते VFX के नाम पे जो उन्होंने लोगों को पागल बनाने की कोशिश करी है ना, सच बोल रहा हूँ, जनता माफ नहीं करेगी। एंड अब हम देखने वाले हैं एक ऐसे रिपोर्टर को जिसको देख के उसकी मम्मी जरूर बोलती होंगी तू बड़ा जरूर हो गया है, फिर भी तू छोटा है। वो कोई आम आदमी नहीं है, मैं तो कहता हूँ वो पुरुष ही नहीं है, वो एक लेजेंड है, वो है आपका अपना अमीन हफीज। अब ये कोई ऐसा वैसा रिपोर्टर नहीं है ना, गलती मत कर देना, ये जानवरों से बातें कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बकरी, आपको अंग्रेजी आती है? अंग्रेजी आती है, कहती है अभी पूरी अंग्रेजी नहीं आई, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आती है। एपिक, बकरी ने सिर्फ मैं करा और इतनी बात समझ आ गई अंकल जी को। और बकरी छोड़ो भैंस, आप अभी पुल उतर कर आई हो, ये काम आसान लगा है या मुश्किल? ये गाय शायद ये कहने की कोशिश कर रही है कि ओवरहेड ब्रिज के जरिए सड़क पार करना मुश्किल तो है। लगता ये पागल हो गया। अबे कैसे भैंस ने भू तो किया था उससे इतना मतलब कैसे निकाल लिया ओवरहेड ब्रिज से वगैरह वगैरह भाई। और छोड़ो भैंस छोड़ो तोता, आप तो हर एक किस बात निकालते हो। पनामा केस की आपने क्यों नहीं निकाली बताओ ना मुझे। तोता कह रहा है कि मैं ऐसी फाल नहीं निकालता जिससे उसके अपने पास कट जाए। तेरी बातें कैसे समझ जाता है ये महापुरुष। और ये छोड़ो जानवरों से बातें छोड़ो, अंकल जी भी ना खुले में लाइव टीवी पे लोगों का रोस्ट करते हैं। बेटे आप यहाँ पर क्या करने आते हो? मैं यहाँ पे लस्सी पीने आता हूँ। इतने मोटे और अभी भी लस्सी पीछे और मोटे हो जाओगे। ऑमलेट ब्रेड था और साथ जैम और बटर भी था। और आपने तो लगता है टका के सब कुछ खा लिया। नो 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 अंकल जी भाई लाइव टीवी पे फैक्ट शेयर करते हुए लोगों को। और अगर मछली मिल जाए जिंदा तो मजा दुबाना हो जाता है। मसाबी के साथ अमीन हफीज। कुछ देसियों ने एक देसी बोट बना रखी है इधर से उधर ट्रैवल करने के लिए, तो हमारे न्यूज वाले गए हैं उसका नुमाइंदा करने के लिए। आइए देखते हैं क्या हुआ है ना। नहीं करो यहाँ की पाकिस्तान लेने के कचरा वचरा साफ करने। और अब यार हमने न्यूज रिपोर्टर्स को कई बार लाइव टीवी पे टेंपर लूज करते हुए देखा, लेकिन क्या कभी हमने एक न्यूज रिपोर्टर को अपने साथी न्यूज रिपोर्टर पे ही टेंपर लूज करते हुए देखा है? नहीं। ये देखो कैसे बुलेटिन करूंगा मैं इसके साथ सर भाई। वो कह रही वैसा बात ही ना करो। नहीं मैंने लहजे की भाई तुम्हारा अगर कोई अपना मसला चल रहा है उसको मेरे साथ नहीं डिस्कस करो ना यार। तमीज से मैंने कौन सी बदतमीजी की है? क्या बदतमीजी की है? जाहिल। तो इसको अपनी जबान कंट्रोल करे, ये ग्रैब हो रहा है सारा जीव, इसके नखरे नहीं खत्म हो रहे भाई। अबे ऐसे तो पति पत्नी लड़ते हैं यार, इनको देख के ना कसम से मेरे को वो दो चड्डी वाले बच्चों की याद आ रही है। 10,000 पे गुजारा कर ले यार वो और मेरी जेब को गोली मार यार। पहले देते हैं सबसे इम्पोर्टेंट खबर। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद गूगल अब हैदराबाद में अपना कैंपस खोलेगा। ये कैंपस परमानेंट और बड़ा होगा। अबे कम से कम गॉगल पे गॉगल के स्पेलिंग गूगल के स्पेलिंग तो सर्च कर लेते हैं। पाकिस्तान भर की तरह आजाद कश्मीर में भी। तो गाइस अगर तुम लोगों ने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो कर लो यार, टिकटॉक वालों के ज्यादा फॉलोअर्स हो गए यार। लाइक की कुछ तो इज्जत रख लो। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आज की वीडियो के लिए इतना। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। आई हो तो वीडियो को लाइक करना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कैमरामैन के साथ अमीन हफीज जियो न्यूज़ लाहौर। चारवा बनेगा ये लाहौर से ही करता है ना। हां यार बड़ी शानदार, बहुत जबरदस्त, बड़ी एंटरटेनिंग। और कुछ तो हमारे पाकिस्तानी सारी वीडियो भी हमने खुद ही नहीं देखी ज्यादातर हमारे। अमीन हफीज की तो वाकई भी बहुत ज्यादा। ये हमारे लाहौर सेंटर से ये करते हैं जियो का एंकर। मतलब देखो हमारे उससे ही फायदा होगा कि किसी न किसी इंडियन मूवी में इनका रोल आ जाएगा। चार नवाब ने बड़ा क्लास किया था। और ट्रेन वो असल में चांद ईद के सीजन था और ट्रेन चलती है हमारी स्पेशल ट्रेन चलती है ईद की वजह से ना, तो उसमें वो गाला उसमें गालियाँ वालियाँ बोलते था वो उसको नहीं डाला उन्होंने, उसको डालना चाहिए था। तो वो इसलिए क्योंकि वो लोग जानते हैं ना वो, मैं फिर भी वो भी और मस्जिद दोबारा वगैरह। अब ये इसलिए थे क्योंकि और भी बहुत सारे हैं यार उसमें। वहाँ से एक था वो जो चंबा मार देता है बच्चों को, बड़ा खतरनाक है। वो कुछ बोल रहा होता है बच्चा सामने आता है ट्रक के चमाट। बहुत शानदार, बहुत मज़ा आया, बड़ी अच्छी वीडियोज़ थी। ऐसी वीडियो करनी चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों का ना? तो आपके आज की जो हमारी वीडियो चल रही है पिछले हफ्ते से जो शूट चल रही है और जो आप ये देख रहे हैं वीडियोस वगैरह तो बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस हम दे रहे हैं आपको ना। इस हफ्ते में बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। और नया जो हमारा पुराना ट्रेंड था हम लोग खुद एंजॉय कर रहे हैं, पता नहीं हम ज़्यादा खुद। आज हमें मज़ा आ रहा है क्योंकि सिलेक्शन बड़ी अच्छी है और क्योंकि मैंने की सारी सिलेक्शन, तो मुझे ज़रा शाबाशी दे रहे हैं आप इस चीज़ के अंदर। तो कैसा रहा हमारा साथ आपके साथ? और बहुत अच्छा लगा हमें। और आपको कैसा लग रहा है? हमारे चैनल को इस तरह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। हम कोशिश करेंगे अपने पुराने ट्रेंड पे चले जाएं। और हम पुरानी गलती में आपसे माजरत चाहते हैं कि आपको कोई बात बुरी लगी क्योंकि हमारे बहुत से सब्सक्राइबर कम हो गए थे, बहुत से हमारे व्यूज़ कम हो गए थे। हम चाहते हैं कि दोबारा हम अपने उसी ट्रेंड पर उसी तरह के जो हमारा एक अपना एक स्पेशलिटी थी हमारी जो बात करने की, मिलने की, आपसे मुखातिब होने की, वही हम चीज़ दोबारा सर लेकर आए हैं आपके लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए